शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। आधुनिक सुविधाओं के साथ प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक बनाए जा रहे हैं, लेकिन बैतूल में इन योजनाओं पर नुमाइंदे ही पलीता लगा रहे हैं। मामला भीमपुर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आदर्श पिपरिया के प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल का 2005 में निर्माण किया गया था, इसके बाद उसके रखरखाव में काफी कमियां देखने को मिली। आज आलम यह है कि भरी बरसात में स्कूल की छत टपक गई है, तो कहीं से प्लास्टर झड़ रहा है, तो कभी भी पानी से डैमेज होकर छत गिरने का डर बना रहता है। ये कहा जा सकता है कि मासूम की जान से विभाग खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन सुध लेने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी तैयार नहीं है। यहाँ सर 1 से 5 तक बच्चे बैठते हैं। इस क्लास इधर 4थी क्लास है और उस साइड 5वीं है, इधर 3री और पहली दूसरी वाले पीछे बैठते हैं। सर ये बिल्डिंग लगभग 2005-6 में बनी है और सर ये खराब स्थिति में है। ये प्लास्टर जो है गिरता रहता है, उससे बरसात में दुर्घटना की संभावना बनी है। ये बरसात में तो बहुत दिक्कत होती है सर। फिर उसके लिए हम लोग या एक साइड बिठाल देते हैं। चौथी पानी टपक रहा है तो छत्ता गिर जाएगा तो किसका सिर फूट जाएगा। इस वाले रूम में पानी टपक रहा है, ये रूम में। सर यहाँ पर बारिश होती है तो पानी टपकने लग जाता है, तो इस कारण फिर उस रूम में बच्चों को नहीं बिठा सकते, फिर दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ता है। और जैसे हाँ, छत के गिरने का डर रहता ही है। हाँ, मैं तो पिछले वर्ष से हूँ यहाँ पर, तो तभी देखा है मैंने, पर उसके पहले से ही होगी स्थिति यहाँ पर।